Hey all, welcome back to my educational YouTube channel Commerce Knowledge Pool. मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज हम शुरू करने जा रहे बीके का चैप्टर नंबर 1 जो हमने ऑलरेडी शुरू किया था बट आज हम सीखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, यूजफुल वीडियोस होंगे वो आपको पहले मिल पाए. इवन आई वॉन्ट टू से दैट कि अगर आपने हाउ टू स्टार्ट अकाउंटेंसी इसका वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो. इवन हाउ टू स्टार्ट थियरी सब्जेक्ट, हाउ टू मेक नोट्स, उसका भी अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा. इवन आई वॉन्ट टू से बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो ये डिमांड करे कि मैम न्यू सेशन शुरू कीजिए, हमारे लिए लेक्चर शुरू कीजिए फॉर ऑल थियरी सब्जेक्ट. तो मैं उनको बताना चाहती हूँ जो भी 2021 एंड 22 बैच के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है उनके लिए कुछ वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे, तो आप कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हो. अदरवाइज मैं इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ फॉर OC एंड SP. तो डेफिनेटली OC के 6 चैप्टर्स आर देयर एंड योर SP के भी 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल है. डेफिनेटली हम आगे के वीडियोस भी बनाएंगे आपके लिए बट जब तक यहाँ पे ये वीडियोस अवेलेबल है सो आप उसको एटलीस्ट गो थ्रू कर सकते हो और आपकी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो. तो इस वीडियो में आपको सभी का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सो आप आसानी से वो प्लेलिस्ट को देख के, आप वीडियोस को देख के आपकी पढ़ाई शुरू कर सकते हो. सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न विथ 12th स्टैंडर्ड BK एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आइए फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जो हमने शुरू कर दिया था बट हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करें, दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हमने पहले के वीडियोस में देखा था स्टूडेंट्स की पार्टनरशिप फर्म क्या होता है. पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा फर्म जहाँ पे 2 or more persons कम टूगेदर स्टार्ट अ पार्टनरशिप एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉस इन एग्रीड रेशियो. ये हमने सीखा था, उसी के साथ हमने एग्जाम्पल के साथ भी सीखा था. तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो हमें समझने पड़ेंगे. ये फीचर्स आपको थियरी में भी आ सकता है बट अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो इसको ध्यान से सुनना. सो आइए स्टार्ट करते. हमारा पहला फीचर है एग्रीमेंट. अभी अगर हम एग्रीमेंट का बात करेंगे तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर शुड बी अ एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons. क्योंकि यहाँ पे अकेला पर्सन नहीं है तो 2 or 3 persons अगर मिलके बिजनेस करे तो एग्रीमेंट तो होना चाहिए. अभी एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट. ऐसा क्यों? बिकॉज आगे जाके कोई पार्टनर ने अगर चीट किया तो हम वो एग्रीमेंट जो क्लॉज लिखे गए हैं उसके हिसाब से हम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट. और इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि दैट इज एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स. अगर हम पार्टनरशिप हम शुरू करना चाहते तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? तो मिनिमम तो 2 partners एंड मैक्सिमम 50 आर अलाउड. अगर आप 50 और 2 partners, 50 partners ऑलरेडी आपके बिजनेस में और 2 को ऐड करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो बिकॉज मैक्सिमम 50 partners आर अलाउड. नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल बिजनेस. लॉफुल का मतलब होता है लीगल. तो अगर हम पार्टनरशिप शुरू करते तो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज के साथ आपको शुरू नहीं करना. योर बिजनेस एक्टिविटी शुड बी लॉफुल. इट शुड बी एज पर लॉ, इट शुड बी एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड एज पर पर्टिकुलर एक्ट. नेक्स्ट वन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बिजनेस में कई बार प्रॉफिट्स होंगे, कई बार लॉस होंगे, तो पार्टनर्स ये तो नहीं बोल सकते कि हम प्रॉफिट से शेयर करेंगे, हम लॉस को नहीं शेयर करेंगे. सो इसीलिए हम यहाँ पे जब एग्रीमेंट बनाते तभी हम मेंशन करते कि रेशियो क्या होगा. देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी सीखा था कि एग्रीड रेशियो में हमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है. अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम इक्वल रेशियो में बांटेंगे.
हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में। बट अगर एग्रीड रेशियो मेंशन किया है तो उस रेशियो में हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट और लॉस को बांटना पड़ेगा। आइदर 2:3 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, वो डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। नेक्स्ट वन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसको भी हम लोग ने देखा था, एक्सप्लेनेशन हमने इसको कंप्लीट किया था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या। तो मैं फॉर्मूला रिपीट करती हूँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इक्वल टू बिजनेस असेट प्लस पर्सनल असेट। अगर हमारे बिजनेस में लॉस होता है तो हमारे बिजनेस असेट तो चले ही जाएंगे, प्लस उसके साथ पर्सनल असेट भी चले जाएंगे। सो एवरी पार्टनर्स हैव अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन रजिस्ट्रेशन, यस, अगर हम पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन। जब तक हम पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो लीगल नहीं कहलाएगा। अगर आप रजिस्टर नहीं करते तो चल जाएगा, बट अगर आप महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फॉर्म को शुरू कर रहे हो तो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, एंड इट इज कंपल्सरी, इट वॉज मेड कंपल्सरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2005, तभी से महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी हुआ है। उसी के साथ कौन से एक्ट के हिसाब से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। अभी आप सोचोगे कि मैम हमने रजिस्टर नहीं किया तो चलेगा? चलेगा, बट अगर कोई लीगल केस आपके ऊपर फाइल होता है, आपको भी अगर फाइल करना है तो आपका फॉर्म अगर रजिस्टर नहीं है तो आप फाइल नहीं कर पाओगे। सो फॉर ऑल लीगल एक्टिविटी योर फॉर्म शुड बी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट वन ज्वाइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, अगर हम बात करेंगे ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक पार्टनर्स का यहाँ पे ओनरशिप क्या होगा, ज्वाइंट होगा, एंड ऑल पार्टनर्स टूगेदर लाइबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ऑल पार्टनर्स टूगेदर लाइबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ फर्म। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो अभी आपकी कॉलेज में भी प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे हम वो प्रिंसिपल तो बात नहीं कर रहे, बट हम पार्टनर्स के अंदर ही प्रिंसिपल का बात करें। फॉर एग्जाम्पल देर आर टोटल 10 पार्टनर्स, 10 पार्टनर्स अगर आपस में कुछ डीलिंग्स कर रहे तो दे आर एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर ईच अदर विद इन अ फर्म, दे एक्ट एज अ प्रिंसिपल। बट अगर कोई उसमें से 10 में से कोई एक पार्टनर कोई आउटसाइडर के साथ अगर डीलिंग करता है तो वो कहलाएगा एजेंट। मतलब विद इन अ फर्म दे आर कंसिडर एज प्रिंसिपल फॉर ईच अदर, एंड आउटसाइड द फर्म दे आर कंसिडर एज एजेंट ऑफ द फर्म। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज डिसोल्यूशन, जिस तरह से हमने पार्टनरशिप शुरू की थी, अगर हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है मतलब बंद करना है, ताला लगाना है, तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं क्या? आंसर इज नो। शुरू करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, उसी तरह से बंद करने के लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और बंद करने के लिए टोटल 10 पार्टनर्स, उसमें से 7 लोग बोल रहे हैं कि चलेगा, बंद किया तो चलेगा, बट 3 जन अगर मना कर रहे तो हम पार्टनरशिप फॉर्म को बंद नहीं कर पाएंगे। हमें सबका परमिशन लगेगा टू क्लोज द फॉर्म। एंड सेकेंड थिंग, जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना चाहते हैं तो हमें पब्लिक को 14 डेज पहले नोटिस देना होता है, हमें पब्लिक को रिटर्न नोटिस देना होता है कि हम पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स विच आर देयर इन योर पार्टनरशिप फॉर्म। ये जो आंसर है आपको थियरी भी ऑप्शन में होता है बीके में, तो जो स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग नहीं जम रहा है वो थियरी के साथ जाके स्कोर कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन फॉर थियरी एज वेल एज फॉर ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा स्टूडेंट, कुछ तो आपने सीखा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इवन चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट एंड मोर यूजफुल वीडियोस। सो थैंक यू ऑल, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्टनरशिप डील। एंड जो मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में जो भी आपके OC एंड SP के जितने भी वीडियोस है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सो प्लीज डू चेक एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Thank you all. Stay healthy, stay safe.